प्रायोजित इंटरव्यू के दौर में जहां मीडिया की नस नस पर पैनी निगाह रखने के लिए सरकार ने 200 से भी ज्यादा लोगों की फौज को लगा रखा है, न्यूज क्लिक के कार्यक्रम मीडिया पर खरी खरी में आप सबका स्वागत है। देश के सबसे खूबसूरत राज्य जिसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है केरल, वह भीषण तबाही के दौर से गुजर रहा है। जो खबरें वीडियो आ रही हैं वे दिल दहलाने वाली हैं। पिछले 9-10 दिनों में तकरीबन 400 से भी ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। 2,00,000 से अधिक लोग विस्थापित हैं। जानलेवा बाढ़ के प्रकोप से ऐसा लगता है अकेला ही जूझ रहा है केरल। केरल की भीषण तबाही, जान माल के नुकसान से मीडिया ने बिल्कुल उसी तरह से आंखें मूंदी रखी हैं जैसे दिल्ली की केंद्र सरकार ने। ध्यान दीजिए, जब तक मरने वालों का आंकड़ा सैकड़ों तक नहीं पहुंचा, राष्ट्रीय अखबारों टीवी न्यूज चैनलों के लिए यह बड़ी खबर नहीं बना। देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो केरल अपने देश का हिस्सा ही ना हो। जब हम आप यह बात कर रहे हैं तब तक केंद्र की मोदी सरकार ने केरल की इस भीषण ऐतिहासिक आपदा को राष्ट्रीय आपदा तक घोषित नहीं किया है। केंद्र ने 17 अगस्त तक सिर्फ इस आपदा से लड़ने के लिए केरल को 100 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी थी, और उसके बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 अगस्त को वहां पहुंचते हैं तो 500 करोड़ रुपए की राशि ऐलान करते हैं जो तुरंत मिलनी चाहिए। सवाल यह उठना चाहिए कि नेशनल मीडिया ने जिस तरह से इतनी विकराल, इतनी भीषण, जिसे बताया जा रहा है कि केरल ने अपने पूरे इतिहास में अभी तक इतनी बड़ी आपदा नहीं झेली थी, जहां तमाम बांध टूट रहे हैं, पानी ऊपर बह रहा है, लोग वीडियो डाल रहे हैं, वहां के एमएलए ये एसओएस भेज रहे हैं कि अगर तुरंत हेलीकॉप्टर नहीं भेजा गया, तुरंत राहत नहीं पहुंची, तो सैकड़ों हजारों लोगों की जान चली जाएगी। सवाल यह है कि तब भी हमारा मीडिया क्यों नहीं जागता। वह तो सोशल मीडिया का हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जो उसने कवरेज की, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, सोशल मीडिया हो, वेबसाइट हो, या आप मानिए कि जो फेसबुक पे लोग लाइव कवरेज कर रहे थे, वह एक काबिले तारीफ काम था कि इतनी मुश्किल में फंस के केरल के भीतर और केरल के बाहर के लोग, केरल में जो ये भीषण तबाही आई है, इसमें मदद की अपील कर रहे थे, लगातार यह बता रहे थे कि आखिर सरकारें क्यों सोई हुई हैं, जो भारतीय जनमानस है वह क्यों नहीं केरल के पक्ष में उतरा हुआ है। इस तरह के जब वीडियो साझा हो रहे थे, उनको लोग देखना शुरू किए, तब भारतीय जो मुख्य धारा का मीडिया है, ध्यान दीजिए, जब हम बार बार यह कहते हैं मुख्य धारा का मीडिया, हम जिक्र करते हैं उन अखबारों का जो आपके घरों में पहुंचते हैं, हमारे आपके अखबार जो घर में पहुंचते हैं, जो टीवी चैनल हमें दिखाई देते हैं, जो जबरदस्ती दिखाए जाते हैं, वह है मुख्य धारा का मीडिया। ये जो मुख्य धारा का मीडिया है, कम से कम केरल के मामले में ये बात बहुत साफ हुई कि अगर यह मीडिया किसी चीज को खबर या महत्वपूर्ण खबर ना बताने पे तुल जाए तो वह ऐसा कर सकता है। यह उसको एक अपनी ताकत का एक एहसास है, और केरल की आपदा में उसने ये बेशर्मी के साथ किया, जहां पर इतने बड़े पैमाने पर लाखों लाख लोग जूझ रहे हैं, अपने जीवन के लिए गुहार लगा रहे हैं, जिसके पक्ष में बाकी भारतीय जनमानस को खड़ा करने का नैतिक दायित्व और प्रोफेशनल दायित्व मीडिया का होना चाहिए था, वह मीडिया ने नहीं किया। और मुझे लगता है इसके लिए मीडिया के भीतर जो लोग हैं उन्हें भी कुछ शर्मिंदगी महसूस होनी चाहिए। यहां एक बात पर और जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए कि जब केरल में इतनी भीषण तबाही मची हुई है, तब आखिर मीडिया क्या छाप रहा था, क्या दिखा रहा था, कौन से उसके एजेंडे की खबरें थी। अगर आप ध्यान से पन्ने पलटें तो आपको दिखाई देगा, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, कि किस तरह से मीडिया में 15 अगस्त की भव्य तैयारी चल रही थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिर उसके बाद जो लाल किले से 15 अगस्त को भाषण देते हैं, उसके प्लस माइनस, और उसमें किस तरह से जो विजन दिखाई दिया, वो तमाम चीजें दिखाने में, उसको प्रचारित प्रसारित करने में मीडिया मशगूल था। मैं ये नहीं कहना चाहती कि प्रधानमंत्री का भाषण महत्वपूर्ण नहीं है,
मैं लेकिन साथ में यह भी कहना चाहती हूं कि प्रधानमंत्री जब लाल किले के प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो वो समस्त भारत के लिए भाषण दे रहे थे और उसमें केरल शामिल है। वो सवाल उठना चाहिए था कि केरल में जो तबाही चल रही है, और ध्यान दीजिए ठीक इसी संदर्भ में हम बात करते हैं 16 अगस्त की। 16 अगस्त खबरों के लिहाज से एक बड़ा दिन था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निधन होता है। उस निधन के इर्द गिर्द जो खबरें आती हैं, जो खबरें आनी ही थी, भाजपा के लिए सबसे बड़ी खबर थी, देश के प्रधानमंत्री के लिए सबसे बड़ी खबर थी, सारे नागरिकों के लिए बड़ी खबर थी, तीन बार प्रधानमंत्री पद पर रह चुके अटल बिहारी वाजपेयी का निधन। ओबिचुरी लिखी गई, स्मृति लेख लिखे गए, लेकिन अगर आप ध्यान दीजिए कि यहां जो स्मृति लेख लिखे गए या जिस तरह की बातचीत सारे मीडिया में हुई, वो तकरीबन एक ही ढंग के चश्मे के साथ हुई। तकलीफ इस बात की है, एक व्यक्तित्व का जो आकलन किया गया, जो राजनीतिक आकलन होना चाहिए था और जिसकी जिम्मेदारी मीडिया पर है, नेताओं पर नहीं, मीडिया पर जिम्मेदारी है कि वह किसी भी व्यक्तित्व का समग्र आकलन करे। अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय प्रधानमंत्री का जब समग्र विवेचन होगा तो क्या उसमें बाबरी मस्जिद विध्वंस का जिक्र नहीं होगा? क्या उसमें इस बात का जिक्र नहीं होगा कि 2002 में जब गुजरात में नरसंहार हो रहा था, उस समय केंद्र में उनकी सरकार क्या कर रही थी, जब हजारों लोग, हजारों मुसलमान मारे जा रहे थे, तब किस तरह से वह राजधर्म की बात करते हैं उसके बाद? और वो वीडियो भी हमारे पास है। मेरा एक ही संदेश है कि वो राजधर्म का पालन करें। राजधर्म ये शब्द काफी सार्थक है, मैं उसी का पालन कर रहा हूँ, पालन करने का प्रयास कर रहा हूँ। राजा के लिए, शासक के लिए प्रजा प्रजा में भेद नहीं हो सकता, न जन्म के आधार पर, न जाति के आधार पर, न संप्रदाय के आधार पर। हम भी वही कर रहे हैं साहब, हम भी वही कर रहे हैं साहब, हम भी वही कर रहे हैं साहब। जिसमें ये पता चलता है कि जब तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए, एक राजा को राजधर्म का निर्वाह करना चाहिए, और उसके तुरंत बाद किस तरह से नरेंद्र मोदी कहते हैं साहेब हम वही तो कर रहे हैं। क्या ये सारी चीजें आज हम बोलने से डर रहे हैं? और अगर डर रहे हैं तो क्यों डर रहे हैं? यह भी सवाल हमारे और आपके दिमाग में ना आए ऐसा हो नहीं सकता। और खास तौर से देखिए कि उसी दिन जब उनकी शव यात्रा निकल रही थी, उस समय जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता स्वामी अग्निवेश जब उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे, तो जिस तरह से वहां पे भाजपा समर्थक उन पे टूटे, वो भी तब जब पूरा का पूरा मीडिया वहां पर मौजूद था। सबके सामने उन्हें खदेड़ने की कोशिश की गई। यह उन पे दूसरा हमला है। हम पिछले प्रोग्राम में बात कर चुके हैं कि किस तरह से उन पे हमला किया गया। तो ये जो पूरा माहौल बनाया गया, वो किस तरह से देश की राजधानी में उतरता है, किस तरह से असहिष्णुता हमारे लोकतंत्र का हिस्सा बनती जा रही है, इसकी एक बानगी स्वामी अग्निवेश पर हुए हमले पर दिखाई देती है। और दिल्ली से दूर बिहार की धरती में, मोतिहारी में, जो महात्मा गांधी के नाम से केंद्रीय विश्वविद्यालय चल रहा है, वहां पर जो हुआ, वहां पे जो जेएनयू से पढ़ाई करके गए हैं, जो वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं संजय कुमार, उनके साथ जो बर्बर हमला हुआ, वो खौफ पैदा करने वाला है। और वजह क्या थी? वजह सिर्फ ये थी कि उन्होंने फेसबुक पर एक पोस्ट लिखी थी, एक पोस्ट को शेयर किया था और एक पोस्ट लिखी थी, और उसमें लिखा था कि अटल बिहारी के निधन के साथ फासीवाद के एक युग का अंत होता है। ये वही शख्स हैं जो पिछले कुछ समय से तमाम और साथियों के साथ वहां जो उस विश्वविद्यालय में गड़बड़ियां चल रही हैं, उसके खिलाफ आंदोलनरत हैं। और इस बारे में उनके जो शिक्षक मित्र हैं, वह बताते हैं कि किस तरह से 10-15 लोगों का हुजूम दिन दहाड़े जो परिसर बना हुआ है जहां पर शिक्षक रहते हैं, वहां पहुंचता है, घर पे दरवाजे पे नॉक करता है, घसीट के उनको नीचे उतारा जाता है, पटक पटक के उन्हें मारा जाता है, इसका वीडियो है।
और पूरी कोशिश की जाती है जब वो मार रहे हैं और जो बोल रहे हैं। आप ध्यान से सुनिए इस वीडियो को। वो क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहे हैं, तुम कन्हैया कुमार बनना चाहते हो, तुम अटल जी के बारे में ऐसी बात कहना चाहते हो। जोर से बोलिए, गलत है। मैं अटल जी का हार्दिक दिल से सम्मान करता हूँ और इसके बाद किसी भी बड़े नेता के जो भारत रत्न से सम्मानित है वैसे किसी भी नेता के विरोध में फेसबुक पोस्ट नहीं करूँगा। और भी यानी कि जो नफरत यहाँ से शुरू हुई है, जो मीडिया हाउसेस से शुरू हुई है जेएनयू के बारे में, या ये बताने के लिए कि कोई भी जो अलग विचार रखता है उसे निपटा देना चाहिए। जब हम आप बात कर रहे हैं तब संजय पटना एम्स में जीवन और मृत्यु का संघर्ष कर रहे हैं, तो ये जो पूरा माहौल अटल बिहारी की जो विरासत का गुणगान मीडिया में दिन दहाड़े हो रहा था, बताया जा रहा था कि वो कितने सहिष्णु हैं, किस तरह से उन्होंने सबको साथ ले जाकर राजनीति की, उसके ठीक उल्टा देश की राजधानी से लेकर बिहार तक में एक अलग ढंग का वितंडा रचा जा रहा था, नफरत का साम्राज्य बनाया जा रहा था। और उसमें मीडिया की भूमिका, मीडिया उसे कैसे कवर करता है, कैसे दिखाता है, नफरत को फैलाता है या नफरत को रोकने में मदद करता है। हम बात कर रहे हैं नफरत के गणराज्य की। जी, भारत किस तरह से एक नफरत का साम्राज्य में तब्दील हो रहा है इसकी, और इसकी एक जुबानगी ठीक स्वतंत्रता दिवस से पहले हमें देखने को मिली, 13 अगस्त को, जब उमर खालिद, जी हाँ उमर खालिद, जो जेएनयू के छात्र हैं, जो लंबे समय तक खबरों में हैं, जो अपनी थीसिस और पढ़ाई के लिए भी दिल्ली हाई कोर्ट के चक्कर काटते हैं, उन पर जो कहा जा सकता है कि दिल्ली का सबसे संवेदनशील इलाका है, देश की संसद जहाँ है उसके ठीक बगल में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पर दिन दहाड़े हमला होता है, एक हमलावर आता है, हमलावर उनको धक्का मारता है, गिराता है और फिर उन पर गोली तान देता है। ये सारी चीज़ें दिन दहाड़े हो रही हैं और इसके बारे में जो उमर खालिद कहते हैं वो आप देखेंगे ही कि किस तरह से उनको गौरी लंकेश याद आई, किस तरह से उन्हें लगा कि उनका भी वही समय आ गया जो गौरी लंकेश का आया होगा। ये कहा जा रहा है देश की राजधानी दिल्ली में, संसद से कुछ कदम दूर। ये सारा माहौल कैसे बना? वो जो हमलावर है उसे आखिर इतनी हिम्मत कैसे आई कि दिल्ली में जब चप्पे चप्पे पर पुलिस है वह पिस्तौल लेकर आता है और सीधे तान देता है और उसके बाद उसका कुछ नहीं होता। ध्यान दीजिए, देश की राजधानी में वह आता है, सबसे प्राइम लोकेशन पर हमला करता है और बहुत ही आराम से टहलते घूमते भागते वह निकल जाता है। और उसके बाद वही शख्स अपना एक वीडियो डालता है। अब वह शख्स है, दूसरा शख्स है, ये तो पुलिस जब बताएगी तब बताएगी, लेकिन देखिए जो पूरा का पूरा एक चक्र बनाया जा रहा है कि आप हमला करिए और उसके बाद गर्व से कहिए कि हाँ हमने हमला किया, क्योंकि उमर खालिद देशद्रोही है उनकी नजर में। ये सारा का सारा जो एक अवधारणा विकसित की जा रही है, इसमें मीडिया की कितनी अहम भूमिका है। यह घटना हमें इस बात पर सोचने पर मजबूर करती है, क्योंकि वो शख्स जो बाद में वीडियो पर कहता है वह बताता है कि यह आदमी देश के टुकड़े करना चाहता है। यह टुकड़े वाली बात उसके दिमाग में कहां तक पहुंची? इसे पहुंचाने का काम टीवी चैनलों, खासतौर से रिपब्लिक टीवी और टाइम्स नाउ ने जो लगातार टुकड़े टुकड़े गैंग कर जेएनयू की जो घटना थी जिसके बारे में सब सामने आ गया कि वो फर्जी है, लेकिन इसे लगातार दिखाते रहे। ये सारा जो एक नफरत मीडिया के तहत फैलाया जा रहा था, और ऐसा नहीं कि इस घटना के बाद भी मीडिया उससे बाज आया हो, पूरी कोशिश की गई कि इस खबर को यह बताया जाए कि उमर खालिद ने ही अपने ऊपर हमला करवाया है। और इसके लिए सबसे बड़ा काम किया दिल्ली से जो सांसद हैं भाजपा की, मीनाक्षी लेखी ने। उन्होंने कहा, उन्होंने जो पूरा बयान दिया वो बयान देखिए आप, वो कितना आपत्तिजनक बयान है। किस तरह से एक सांसद जो देश में प्रतिनिधि है, संसद में बैठता है, वह यह बात मीडिया के सामने कह सकता है और मीडिया उसे तुरंत चलाने में जुट जाता है बिना कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग किए हुए।
No, I don't know. I mean, I'm sure there was a firing, but firing was done with the purpose of intimidation, or was done with the intention of sending a message, or was done to cause chaos, or it was only a propaganda mechanism. I think police will do its job. ये जो खौफ का माहौल बनाया गया है, जहां पर उमर खालिद और उमर खालिद जैसे तमाम लोग जो सच बोलना चाहते हैं, जो एक अलग ढंग का विचार रखते हैं, जिसे हमें हमारा संविधान जिसकी आजादी देता है, यह हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि हम अपने विचार रख सकें, बोल सकें, देयर इज अ राइट टू एक्सप्रेशन, वो सारी चीजों की खुले आम अवहेलना हो रही है। हमारा जो मन आता है, मीडिया जिस तरह से हमें डिजाइन करना चाहता है वो डिजाइन करता है, और इस खबर में भी जो अखबारों में छपा, और खास तौर से हिंदी के अखबारों में जो इस उमर खालिद पर हमले के बाद जो खबरें जिस तरह से छापी गईं, उससे लगा कि एक नोकझोंक हुई है, और नोकझोंक के बाद वो भाग रहा था और उसने हवाई फायर किया। उमर खालिद जो बोल रहे हैं, जो विक्टिम बोल रहा है, उसका वर्जन लेने की जरूरत नहीं, वो दिखाने की जरूरत नहीं। यानी खबर हम क्या दिखाएंगे, किस एंगल से दिखाएंगे और क्यों दिखाएंगे, ये मीडिया में बड़े पैमाने पर तय हो चुका है। हम किसे दूसरे ढंग से दिखाना चाहते हैं, किसका महिमा मंडन करना चाहते हैं, हम केरल दिखाना चाहते हैं, नहीं दिखाना चाहते, और क्यों नहीं दिखाना चाहते, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं और से तय हो रही हैं। और ये जो ऊपर की डोर है जिस पे मीडिया ऐसे नाच रहा है, मुझे लगता है इन धागों को समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। और आज के दौर में ये छुपे हुए भी नहीं हैं, पहले कहा जा सकता था कि छुपे हैं, आज के दौर में ये छुपे हुए धागे भी नहीं हैं, सीधे सीधे कंट्रोल किया जाता है। ये जो सवाल उठ रहे हैं मीडिया पे कंट्रोल की जो बात है, मीडिया पे जो राजनीतिक कंट्रोल की बात है, मीडिया के बिल्कुल रेंगने की बात है, और उसी में जो लोग कोशिश कर रहे हैं मीडिया के भीतर, जिन्हें हम सो कॉल्ड मुख्य धारा का मीडिया नहीं करते, उनके द्वारा जो खबरें दी जा रही हैं, इनके जरिए हम किस तरह से सच के साथ खड़े हों, जनता के पक्ष में जो रिपोर्टिंग हो सकती है, या जनता के बारे में जो रिपोर्टिंग हो सकती है, योजनाओं के बारे में जो रिपोर्टिंग हो सकती है, उनको हम कैसे दिखाएं, कैसे लोगों तक पहुंचाएं, ये सवाल मुझे नहीं लगता कि सिर्फ मीडिया कर्मी का है, यह सवाल हमारा, आपका, देश के पूरे नागरिक का है, क्योंकि सवाल तो लोकतंत्र का है। बस इन्हीं सवालों के साथ अब लेती हूँ विदा। निश्चित तौर पे जो हमारा समय है, जो मीडिया इस समय हमें दिखाई दे रहा है, वह डराने वाला है, वह खौफनाक समय है, लेकिन इस समय से लड़ना भिड़ना हमें और आपको ही है। भारत की जमहूरियत को बचाना हमारा जिम्मा है, किसी और का जिम्मा नहीं है। इन तमाम सवालों के साथ अगले हफ्ते फिर आपसे करते हैं मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, शुक्रिया। We are against the death penalty. They pick up these emergency इंसाफ भड़काने के लिए आपको NGC, वाह।